हम सभी जानते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी भव्यता और अपने आर्किटेक्चर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आप समय देखकर बता सकते हैं, और वो भी पुराने तरीके से। चुंबक के बड़े पत्थर से हवा में रहती थी भगवान सूर्य की मूर्ति। चुंबकीय पत्थर से बड़े बड़े जहाज उसकी तरफ खींचे चले आते थे। लेकिन एक और बात इससे अलग बनाती है, जैसे कामुक नक्काशियों के लिए मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो, लेकिन कहू के कोणार्क के सूर्य मंदिर पर भी ऐसी ही कलाकृतियां उकेरी गई हैं। पहले हमने ये सब सुना ही था, लेकिन हमने वहां जाकर खुद देखा। आज तक इसके पीछे का कोई ठोस सबूत नहीं है कि क्यों ऐसी कामुक मूर्तियां मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। लेकिन कहते हैं कि कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो अश्लीलता से कहीं आगे जा चुकी हैं। कहा जाता है कि वात्स्यायन की किताबों में इसका जिक्र तक नहीं है। इस तरह की कामुक पोजीशन शायद हमें आज अच्छे ना लगे, लेकिन ये उस समय के लोगों के अनुसार ही रही होगी जो हमें आज अश्लील लग रही है। कुछ मान्यताओं में ये कहा जाता है कि मंदिर को नजर ना लगने के लिए भी हो सकता है इस तरह की कामुक आकृतियां बनाई गई हों, जिससे कि लोगों की नजर मंदिर को ना लगे। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस समय ये लोगों के लिए एक परीक्षा भी हो, लोग किस इरादे से मंदिर आए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि एक आदमी को मोक्ष तभी मिलता है जब वो काम, अर्थ और लोभ जैसी सभी इच्छाएं त्याग दे। अगर उसके मन में कुछ गलत है तो वो इस मंदिर के बाहर छपी कामुक मूर्तियों से सामने आ जाएगा। अब ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि क्या सही वजह रही होगी इस तरह की मूर्तियों को मंदिर के ऊपर ही बनाने की, क्योंकि ऐसी मूर्तियां कहीं और भी बनाई जा सकती थी, तो इस मंदिर को ही क्यों चुना गया। वक्त के हिसाब से जैसे जैसे ये मंदिर गिर रहा है इस मंदिर के साथ साथ, अब ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि क्या सही वजह रही होगी। ऐसी मूर्तियां कहीं और भी बनाई जा सकती हैं, तो क्या मंदिर को ही चुना गया। वक्त के हिसाब से जैसे जैसे मंदिर गिर रहा है इस मंदिर के साथ साथ इसका कामुक मूर्तियों का राज भी धीरे धीरे हमसे दूर जा रहा है। और उम्मीद कम ही है कि हमें कभी ये पता चल पाएगा कि ये मूर्तियां यहाँ क्यों बनाई गई थी। आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि कौन सही कारण है जिसकी वजह से ये सब मूर्तियां इस मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।